भाजपा के बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर आजमगढ़ व रामपुर के चुनाव में हुई जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी व पटाखे भी फोड़े। कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी, जिसके संबंध में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि भाजपा के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। भाजपा ने उपचुनाव में सपा के सबसे बड़े नेताओं की सीट को जीता है। प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के कार्यों को उत्तर प्रदेश की जनता सराह रही है, इसीलिए आज का दिन बहुत ही हर्ष का दिन है, जिसके लिए आजमगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं व दोनों लोकसभा की जनता को बधाई देता हूं, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर विश्वास के ऊपर विश्वास करके उनके पक्ष में वोट किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, इंद्रमणि उपाध्याय, देवेश श्रीवास्तव, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, पार्षद रामलवट निषाद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन और महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय हुई है और हमारे रामपुर और आजमगढ़ की दोनों विधानसभा लोकसभा की सीटें हम लोगों ने बहुमत से जीत प्राप्त की है। आज जितना भारतीय जनता पार्टी को खुशी है, इतना शायद कभी खुशी नहीं रही। जो सीट हम लोग पिछले विधानसभा में आजमगढ़ में दसों सीटें विधानसभा की हम लोगों ने लूज किया था, आज यह विजय प्राप्त करके बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है और यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विजय है। हम सब परम पूज्य योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की ये जीत है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। उनके बल पर जो है आज भारतीय जनता पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य हैं,
उन्होंने जी जान से पूरी मेहनत किया और हम लोग आज हमें सीटें प्राप्त किए। आज हम अपने शीर्ष नेताओं को और अपने महानगर और क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश जी समेत सभी अपने शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह लगन से हमारे सभी कार्यकर्ता आगे तन मन धन से कार्य करेंगे और पूरी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है, हम सभी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम सभी रामपुर और आजमगढ़ की सीट जो समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी के जो दो सबसे बड़े नेता एक तो आजम खान और अखिलेश यादव की सीट को आज हम सभी ने छीना है उनसे। आज मोदी जी और योगी जी के कामों को उत्तर प्रदेश की जनता सराह रही है, इसीलिए आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज की इस जीत की पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय 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 निश्चित ही दोनों सीटें आजमगढ़ का सीट, ये अखिलेश यादव की सीट और रामपुर की सीट, आजम खान की सीट, ये दोनों बड़े नेता समाजवादी पार्टी के जो आप लोग कहते हैं कि दोनों सबसे बड़े नेता थे, उनकी सीट को आज हम सभी छीनने का काम किए हैं। योगी जी के कामों की बदौलत और मोदी जी के कामों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी का परचम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को जीत की बहुत बहुत बधाई।